Hello and welcome to Media Network News. Let's see a special report. The police Mangal had detected a ganja case wherein accused was apprehended red-handedly with possession of commercial quantity of ganja weighing 20.5 kgs. The accused named H. Akash Singh, ganja supplier from Mangalhat, was arrested and produced before the Honorable Court. Chintu Singh and Satya Teja were absconding. The superior officers appreciated good work by Police Mangalhat for detecting and apprehension of accused with possession of ganja by making hard efforts under the supervision of Shri R. G. Sivamaruthi, ICACP, Goshamahal Division, Hyderabad, and Sri M. Iqbal Siddiqui, Additional DCP, West Zone, Hyderabad, under the close supervision of respected Shri A. R. Srinivas, IPS, Joint Commissioner of Police, HFAC, West Zone, Hyderabad. आप सब लोगों को मालूम है, गांजा के ऊपर एक स्पेशल ड्राइव कंडक्ट किया गया है. पिछले दो महीनों से वेस्ट जोन के पुलिस ने करीब 200 लोगों के ऊपर, हम लोग ये गांजा के जितने भी इम्पोर्टेंट डीलर्स है, ड्रग पेडलर, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सब लोगों को अरेस्ट करे. इसमें खास करके मंगलहाट धूलपेट के एरिया में करीब एक 40 के ऊपर केसेस रजिस्टर हुए, इसमें कम से कम 80 लोगों के ऊपर गिरफ्तार करें. ये सब लोग अभी जेल में हैं. कल मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट एक्यूज्ड है आकाश सिंह, 32 इयर्स, लोअर धूलपेट का रहने वाला है. ये एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इसका काम है कि ये ट्रांसपोर्टेशन ये खुद करता है, वाइजैक से यहाँ पे लेके आके गांजा बेचता है. ये इम्पॉर्टेंट लोगों में से एक अच्छा बड़ा ड्रग पेडलर है. इसको कल हमारे SHO रवि, मंगलहाट के SHO रवि और उनका पूरा टीम इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसको अरेस्ट करे, आकाश सिंह को. इसको अरेस्ट करने के बाद इसके पास से 20.5 केजी गांजा रिकवर करे. इसमें ये ऑलरेडी, ये आदमी इससे पहले भी जेल जा चुका है, 4 केसेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व है. ये 4 केसेस भी धूलपेट एक्साइज और पुलिस में रजिस्टर हुए. इसको अभी कमर्शियल क्वांटिटी में ये सीज किया गया. अभी इसके पास जितना बरामद हुआ, ये इसके बाद इसके ऊपर PDB एक्ट लगा के इसको फिर हम लोग इनिशिएट करके फिर इसको रिमांड को भेजेंगे. सब ये जितना आप इतना पुलिस वाले गांजे के ऊपर इतना जो मुहिम चला रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर गांजा आ रहा है, तो असल ये सरगना है कौन सा इसका? अभी पिछले दो महीने से जब से हम लोग ये स्पेशल ड्राइव कंडक्ट करें, अभी आप देखो धूलपेट में गांजा मिलना काफ़ी मुश्किल है. मिल रहा होगा लेकिन काफ़ी बहुत 99.9% तो हम लोग हिम्मत से कह सकते हैं कि गांजा अभी फिलहाल इस समय तो मिलना मुश्किल है धूलपेट में पूरे, क्योंकि 200 के ऊपर लोगों को अरेस्ट करके सारे लोग अभी जेल में, जितने भी इम्पोर्टेंट पीपल है इसमें, जितने भी ये ट्रेड में इन्वॉल्व है, रेड करके उनके घरों में कहीं भी ये लोग छुपा के रखे गांजा दुकानों में, इन सब लोगों को रेड करके सबूत के साथ इन सब लोगों को अरेस्ट करे और सब लोग अभी जेल में है. तो इनके ऊपर, काफ़ी लोगों के ऊपर PDB एक्ट इनिशिएट करे. 6 लोग के ऊपर ऑलरेडी इनिशिएट हुआ, अभी 15 के ऊपर अभी हम लोग और करने वाले हैं. जो भी इम्पोर्टेंट पीपल है इन सबको इनके ऊपर निगाह रखें, और जब फिर से ये लोग अगर इन्वॉल्व होंगे तो इनके ऊपर PDA एक्ट लगाएंगे, ज़रूर इनको जेल भी जाएंगे.